जय माता दी। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी सेहत बहुत जल्दी ख़राब होती है। समय समय पर खास करके सेहत के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, जिसमें बुखार बहुत जल्दी होता है। बहुत से लोगों की ऐसी समस्या रहती है जिनको महीने बाद, दो दो महीने बाद या दो चार महीने के अंदर एक बार बुखार तो हो जाता है, लेकिन वो बुखार कई कई देर तक जाता ही नहीं है। कई दवाइयाँ खाने के बाद भी, ट्रीटमेंट करवाने के बाद बावजूद भी बुखार लंबे समय तक उनको परेशान करता है। जन्म कुंडली में कौन से बुरे ग्रहों के कारण, कौन से ग्रह हमारे खराब होते हैं जिसके कारण बुखार बहुत जल्दी होना, या एक बार हुआ बुखार कई कई समय तक, कई कई दिनों तक या कई लोगों को महीनों तक भी बुखार परेशान करता है, और ये जानेंगे, ये सारी चीज़ें जानेंगे, साथ में इसके क्या उपाय कर सकते हैं जिससे बुखार जैसी समस्या को या लंबे समय तक चलने वाले बुखार को हम कैसे जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं, ये उपाय जानेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन उपायों का फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसी समस्या आखिर रहती क्यों है। जन्म कुंडली में राहु का संबंध जब सूर्य के साथ हो, जब भी राहु सूर्य के साथ संबंध बना करके उसको खराब कर रहा हो, जैसे मान लीजिए राहु और सूर्य कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं, या राहु देव सूर्य के घरों के अंदर जाकर के बैठा है, चाहे वो पहले घर में हो, चाहे पांचवें घर में हो, चाहे राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर है, चाहे राहु सिंह राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो ऐसे में राहु की ही दशा चल रही है या सूर्य की दशा चल रही है, तो इस तरह की परेशानी देखने को मिल सकती है, जिसमें सेहत के अंदर आए दिन उतार चढ़ाव होना, बुखार जैसी समस्या देखने को मिलना, और एक बार हुआ बुखार लंबे समय तक भी ऐसे खराब योग के अंदर बहुत परेशान करता है। तो ऐसे लोगों को आखिर उपाय क्या करना चाहिए। सबसे पहला उपाय, ऐसे लोगों को नीला रंग बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, खास करके अपने घर में, अपने बेडरूम में नीले रंग की वस्तुएं, नीले रंग के कर्टन्स, नीले रंग की बेडशीट ये बिल्कुल भी नहीं बिछानी चाहिए। दूसरा उपाय, आपके घर में जितनी भी राहु की खराब चीज़ें हैं, जिसमें खराब बिजली का सामान, जंग लगा लोहा यानी कि शनि और राहु की खराब चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप घर में जितना भी कबाड़ है इसको बाहर निकालिए, और साथ ही महीने के एक दिन आपने ये उपाय करना है, रविवार के दिन 1 किलो जौ लेकर के उसको 4 किलो दूध के साथ धो करके सर से 7 बार उतार करके जल प्रवाह करिए। ये उपाय कम से कम आप अगर 10 महीने करते हो और महीने के एक रविवार करते हो, तो बार बार होने वाली बुखार जैसी समस्या या बुखार आपको अगर लंबे समय तक तंग कर रहा है, इस तरह की समस्या आपकी ज़रूर दूर होगी। इसी तरह से आप लोगों को अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, या इस ये जो टॉपिक हमने अभी जाना है इनसे संबंधित कोई दिक्कत है, आप ये उपाय कर सकते हो। अपनी जन्म कुंडली हमें नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हो, ताजो आपकी कुंडली में बन रहे खराब योगों के बारे में हम आपको बता सके, साथ ही उसके उपाय दे सके। इसी तरह से और विषयों पर भी चर्चा करते रहेंगे। इजाजत दीजिए। जय माता दी।